स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल और लिगेंड दो चीज़ें हैं। जब इनको मेटल और लिगेंड को अनंत दूरी से पास पास में लाया जाता है तो जो 5D कक्षक होते हैं, मेटल के जो 5D कक्षक होते हैं, वो 5D कक्षक पहले तो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट को हम कह सकते हैं यानी संभ्रंश होते हैं। संभ्रंश से मीनिंग है कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो एक समान रहता है। लेकिन जब हम मेटल और लिगेंड को अनंत दूरी से पास पास लाते हैं तो उनकी पारस्परिक क्रिया के कारण उनकी जो डीजनरेसी है, उनकी जो संभ्रंशता है, वो समाप्त हो जाती है। संभ्रंशता समाप्त हो जाती है। धातु कक्षकों का चूंकि यह विपाटन लिगेंड के कारण होता है, अतः इसको क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं। अब देखिए इसमें कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स उस पारस्परिक क्रिया के दौरान मेटल के जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो अधिक हो जाती है। अधिक क्यों हो जाती है? क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और आने वाले लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन के परिणाम स्वरूप उन ऑर्बिटल्स की जो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं उनकी एनर्जी रेज हो जाती है और जो कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं उनकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। कम उतनी मतलब उतनी से मतलब ये है कि ये सकल ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल नियत रहता है। अब इसमें जो ऊर्जा का मान होता है, इसमें जो ऊर्जा होती है, ये कक्षकों का जो विपाटन होता है, इस विपाटन को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और इस विपाटन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा का चेंजेज होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसकी कुल एनर्जी को हम डेल और टैन डीक्यू से निरूपित करते हैं। अब इस स्प्लिटिंग को हम एक ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है तो उसके जो 5D ऑर्बिटल्स हैं ये डी ऑर्बिटल्स हैं और अभी ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जैसे dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx²y² ऑर्बिटल है और ये dz² ऑर्बिटल है। जब लिगेंड और मेटल दोनों को अनंत दूरी से पास पास लाया जाता है तो मैंने कहा कि पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इनकी एनर्जी में चेंजेज होते हैं। तो इनकी डीजनरेसी समाप्त होने से पहले ये अपनी एनर्जी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, पांचों डीजनरेट कक्षक, और इनकी एनर्जी पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि आप मेरे इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं एनर्जी का लेवल।
अभी भी इसकी डिजेनरेसी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब चूंकि इसका जो एनर्जी लेवल है वो इनमें जो पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जो एनर्जी लेवल है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया है। अब देखिए यहां से इन कक्षकों का होता है विपाटन, और विपाटन होने के परिणाम स्वरूप ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, T2G कक्षक और EG कक्षक। इस तरीके से ये हुए आपके ईजी ऑर्बिटल्स और ये हुए आपके T2G ऑर्बिटल्स। यहां ईजी ऑर्बिटल का मीनिंग है जी यहां पर जीरेड और अनजीरेड को शो करता है। अब देखिए यहां पे जो एनर्जी का मान है, यहां पे जो एनर्जी का मान है वो टोटल जो एनर्जी है वो है, मैंने बताया अभी आपको, डेल और इसी को हम कहेंगे टेन DQ। ये जो मीन एनर्जी पॉइंट है इसका नाम है बेरी सेंटर। यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो हुई प्लस 0.6 डेल ओ। यहां पे जो ओ रेफर्स टू द ऑक्टाहेड्रल, यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो यहां पे डेल टी लिखेंगे, यदि हम स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो यहां पर हम डेल एस पी लिखेंगे। और यहां तक की जो एनर्जी का मान है वो होगा -0.4 डेल ओ। यहां प्लस और माइनस साइन केवल एनर्जी के हुए इस परिवर्तन को दर्शाने के मात्र के लिए है, इसका वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यदि इस प्रकार से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग संपन्न होती है किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन यदि हम इनके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इलेक्ट्रॉन भरते समय यदि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं तो ये जो संकुल है वो स्थायित्व को प्राप्त करता है, और यदि आने वाले इलेक्ट्रॉन है अगर वो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाते हैं तो तंत्र या सिस्टम अस्थायित्व अनस्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से डी कक्षकों का विभिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजन से संकुल के प्रमुख जो गुण हैं जैसे चुंबकीय गुण, अवशोषण स्पेक्ट्रम, धातु आयन के रंगों की आसानी से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं इस प्रकार से कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के दौरान जैसे इलेक्ट्रॉन यदि जब हम इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेज और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेज के बारे में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करता है, वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।